अच्छा, लास्ट हमने सीख लिया था कि लोकल स्टोरेज में सेव कैसे कराना है ना, इसमें लोकल स्टोरेज से वापस कैसे उठाना है वो हमने देखा नहीं था। मिसाल के तौर पे इसको ज़रा देख लेते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके एप्लीकेशंस में गया मैं, और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल क्लियर करने के बाद मैं ABC लिख के एंटर करता हूँ, तो ये इन प्रोग्रेस। ये क्या हुआ यार, ये क्लियर क्यों नहीं हुआ? हाँ, अब क्लियर हुआ है, सही है। तो टू डू में मैंने ABC लिखा तो उसमें चला जाता है, इन प्रोग्रेस में जाके लिखता हूँ कुछ तो वो इन प्रोग्रेस में आ जाता है, ठीक है जी। और इन प्रोग्रेस में मज़ीद कोई चीज़ लिखता हूँ तो वो इसमें आ जाती है, ABC में मज़ीद कोई चीज़ लिखता हूँ तो ABC में चली जाती है। इतना तो हमने कर लिया था कि जो भी हम यहाँ लिखते हैं वो हमारे लोकल स्टोरेज में सिंक होता जाता है साथ साथ। अच्छा, रही बात ये जो शुरू के 3 है, इसको हमने वैसे भी हटा देना है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमें रिफ्रेश करने पे ये जो लोकल स्टोरेज में हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, इसको उठा के हमने क्या करना है, स्क्रीन पे लाके वापस प्रिंट करना था जो हमारा रह गया था। अच्छा, उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, उसके लिए हम ये एग्जिस्टिंग टिकट जो है ना, ये शुरू में ही उठा लेते हैं हम। अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, स्क्रिप्ट का टैग जहाँ से हमारा शुरू होता है उसी में ही हमने क्या किया था, एग्जिस्टिंग टिकट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया था, और इसमें लोकल स्टोरेज से उठा के ही हमने आइटम रख लिए थे, ठीक हो गया जी। तो बस टेंशन नहीं है, मैं लगा दूंगा। अच्छा, नज़र नहीं आ रहा, मैं जूम इन कर देता हूँ। यार बताया करो अगर ऐसा कुछ हो ना, नज़र ना आए या कुछ इस तरह को। हाँ भैया, अब बेहतर है, अभी बेहतर है, सही है, बताया करो यार। तो क्योंकि बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। अच्छा, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा ना ये ऐसे कर देता हूँ, ये वाला, दिस जूम इज़ मच बेटर। अच्छा, तो मैंने क्या किया, एग्जिस्टिंग टिकट को उठा के ना पहले ही एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से ये होगा कि जब भी मेरा पेज रिफ्रेश होगा तो पहला लाइन जो चलेगी ना उसमें से लोकल स्टोरेज में जो कुछ भी होगा उसको उठाएगा, ये इस एग्जिस्टिंग टिकट में डालेगा और चेक करेगा कि अगर तो एग्जिस्टिंग टिकट में कुछ भी मौजूद है तो उसको वो पार्स कर देगा, क्योंकि मुझे पता है अगर कुछ भी मौजूद है तो वो ऑब्जेक्ट ही होगा, स्ट्रिंगिफाइड फॉर्म में होगा, और अगर कुछ मौजूद नहीं है तो उसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना देगा ताकि बाद में उसमें चेंजेस करने में आसानी हो। अच्छा, अब हमने जस्ट करना ये है कि जो है ना ये टिकट सबमिट हैंडलर जो है, अच्छा ये बंद हो गया यार, छोड़ो इसके बगैर ही करते हैं। टिकट सबमिट हैंडलर जो है ना, इस फंक्शन के चलने पे जो काम होता है, यानी कि यहाँ पे जो हम ऐसे करके लिखते हैं और एंटर करते हैं तो ये टिकट स्क्रीन पे बनकर आता है, तो ये वाला काम जो है ना मैंने एक अलग से भी बनाना है, क्योंकि ये तो फंक्शन ज़ाहिर है, एक वो एक प्रॉपर फंक्शन है ना, इसमें और भी चीज़ें हो रही हैं कि जी वो हम इसको क्या करते हैं, इसके अंदर मौजूद जो फंक्शनैलिटी है, जैसे कि ये डिव बना के और इसको ये कॉलम में अपेंड कराना, ठीक है जी। तो ये वाला काम जो है ना हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और कॉपी करके हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं लेट रेंडर एग्जिस्टिंग, और क्या था ये, एग्जिस्टिंग टिकट्स, ठीक है। ये फंक्शन जब चलेगा तो ये क्या करेगा, एग्जिस्टिंग टिकट जो भी मौजूद है ना लोकल स्टोरेज में उसको ये क्या करेगा, उठाएगा वहाँ से और स्क्रीन पे रेंडर करेगा, ये इसका काम है। अच्छा, कुछ फंक्शनैलिटी मेरी पहले से बनी हुई है, जैसे कि ये। अब ये फंक्शनैलिटी क्या है भाई, ये फंक्शनैलिटी है कि एक डिव बनाओ, उस पर एट्रीब्यूट लगा दो भाई ड्रैगेबल है ये, उस पर क्लास लगा दो कि ये टिकट है, और उस पर ना टेक्स्ट एक अंदर लगा दो यूज़र इनपुट। अब हमारे केस में तो यूज़र इनपुट नहीं होगा, है ना, हमारे केस में क्या होगा, ये जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो चीज़ है वो होगी। अच्छा, तो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो चीज़ मौजूद है उसको ज़रा हम देख लेते हैं कि वो है क्या भला। यहाँ से मैं इसको कॉपी करके ले आता हूँ, हमारे पास जो है ना एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ है। अब हमारे पास एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर ना ये चीज़ है। अब हमने क्या करना है भला, हमने ये करना है कि इस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो भी चीज़ें मौजूद हैं इनके ऊपर लूप चलाना है समहाउ,
और लूप चला के समहाउ इसके ऊपर मुझे इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के अंदर या कॉरस्पॉन्डिंग कह लें कि जो है ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने क्या इसका नाम रखा था यार, नाम मैं भूल गया इसका, क्या हमने रखा था, कॉलम ही नाम रखा था हमने इसका, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में हमने जो है ना उसको डालना है। ठीक है, अब ये काम हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट के अंदर ना दो कीज़ मौजूद हैं, देयर आर टू कीज़ इन दिस ऑब्जेक्ट। तो कौन मुझे बताएगा कि ऑब्जेक्ट की की के ऊपर मुझे अगर आइट्रेट करना है तो मैं कैसे करूँगा? फॉर इन, फॉर इन लगाते हैं जी, देखते हैं क्या होता है। और मैंने कहा कि जी कीज़ इन और एज एग्जिस्टिंग टिकट ऑब्जेक्ट। हाँ भाई ठीक लगाया, देखते हैं क्या होता है। कॉन्सोल ठीक है जी। अच्छा की में एस नहीं लगेगा क्योंकि ये सिंगल सिंगल वैल्यू देगा ना, तो की होगा, एस नहीं होगा इसमें। और इस की को मैं ज़रा प्रिंट करा लेता हूँ की है। हाँ हाँ, अब देखते हैं इस की में क्या प्रिंट होता है। अच्छा ये फंक्शन मैंने क्योंकि अभी रन नहीं किया, ये फंक्शन क्या किया मैंने, रन नहीं किया, इस फंक्शन को मुझे नीचे रन भी करना पड़ेगा। अच्छा ये नीचे डिव बनाने वाली फंक्शनैलिटी, इसको फ़िलहाल मैं रोक देता हूँ, ठीक है, और जस्ट मैं इस फंक्शन को नीचे जाके रन कर देता हूँ। ठीक है, जिस फंक्शन को मैंने क्या किया, नीचे जाके वैसे ही कॉल सिग्नेचर लगा के उसको कॉल कर दिया मैंने, ताकि मैं यहाँ देख सकूँ कि क्या मामला चल रहा है। और रिफ़्रेश किया मैंने जैसे ही, तो इसने कहा कि भाई की इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ भाई फॉर इन, की इज़ नॉट डिफाइंड। अब ये क्या चक्कर है? किसी ने फॉरेन का लूप चला के देखा है पहले? बताओ क्या मसला है। हाँ भाई बताओ क्या मसला है इसके अंदर। अच्छा फॉरेन को हम थोड़ी देर में देखते हैं कि फॉरेन क्या है। पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की कीज के ऊपर लूप कैसे चलता है। अच्छा हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज ऐसे करके बोलते हैं हम, सही है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज बोलते हैं हम। इसको गौर से देख लो, ये तंग करता है बाद में, वरना ऑब्जेक्ट डॉट कीज करते हैं हम। और हम क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट पूरा इसको दे देते हैं। ये इतना जो पार्ट है ना, ये देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट डॉट कीज जो मैंने लिखा है, ऑब्जेक्ट इज अ ग्लोबल फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर, ग्लोबल फंक्शन, जैसे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई है ना, उसी तरह ऑब्जेक्ट डॉट कीज है। ऑब्जेक्ट इज अ ग्लोबल, जो ऑब्जेक्ट है ग्लोबल, और उस पर डॉट कीज लगा के मैंने एक उसका मेथड कॉल किया है, और उसको मैंने ये मेरा ऑब्जेक्ट पूरा दे दिया। ये इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, मॉडिफाई नहीं करेगा, बट इसमें से क्या करेगा, सारी कीज निकालेगा और मुझे एज अ एरे पकड़ा देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगूँगा लेट कीज। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट कीज। अच्छा इस कीज़ को जब मैं प्रिंट करवाऊँगा ना, तो मुझे क्या मिलेगा इसमें, जितनी भी कीज़ होंगी ना वो मिल जाएंगी। सही है, जितनी भी कीज़ होंगी मुझे मिल जाएंगी। तो इस जगह पे मुझे एक एरे मिलेगा जिसमें दो इंडेक्सेस होंगे, क्योंकि मुझे पता दो ही की है। ठीक है, दो इंडेक्सेस होंगे, पहले इंडेक्स में क्या लिखा हुआ होगा, टू डू, दूसरे इंडेक्स में लिखा हुआ होगा इन प्रोग्रेस, दैट्स इट। आओ रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है, तो मुझे ये दोनों कीज़ मिल गई हैं। अच्छा अब सवाल ये है कि फॉर इन का लूप जो था उसमें क्या गड़बड़ है। आ जाओ, फॉर इन का लूप, सही है, W3 स्कूल फॉर इन का लूप, कोड ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, ट्राई इट योरसेल्फ। अच्छा जी यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है, एक पर्सन करके बनाया है, और उसमें एक की मौजूद है, दो की मौजूद है, तीन की मौजूद है, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे भी किया हुआ है। हमारे पास चल क्यों नहीं रहा था भाई, दबे हमने क्या गड़बड़ की है? लेट x इक्वल, नहीं तो x वो कह रहा है अनडिफाइन है ना। अच्छा वो लेट नहीं लगाया हमने, हाँ लेट नहीं लगाया,
जब ही तो बोलेगा ही वो। अच्छा यही सेम काम जो है जो ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ वाला है उसके लिए ई एस सिक्स के अंदर, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ वाला जो काम है इसके लिए, भाई ज़ाहिर है ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ जब मैं निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, उस पर मैं लूप चलाऊँगा इसीलिए निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास ये तरीका भी मौजूद है जो ई एस फाइव में था, लेकिन ई एस सिक्स में ना वो कहता है यार डायरेक्ट लूप चला लो, अब जैसे फॉर लूप है और साथ में मैप है। अब फॉर लूप क्या होता है जी, कि फॉर लूप में मैं ज़ीरो से लेके नाइन तक, मकसद है लूप चलाना एरे पे। मैप में वो कहते हैं यार शुरू से आखिर तक जाएगा, बात ख़त्म, आप देख लो अब क्या करना है। तो ये तरीका भी मौजूद है हमारे पास। मिसाल के तौर पे ऐसा हो सकता है कभी कि मैं देखना चाह रहा हूँ यार इसमें टू डू मौजूद है या नहीं है, तो मैं कैसे देखूँगा, सारी कीज़ निकालूंगा लूप चला के देखूंगा, यही करूँगा ना मैं, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब सारी कीज़ निकाल रहा हूँ ना तो 90% ऑफ द टाइम मकसद यही होता है कि उस पर लूप चलाऊंगा। तो उसके लिए फॉर इन का ये लूप मौजूद है हमारे पास जिसके ज़रिए ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लूप नहीं चलाना है, जस्ट आपने वो निकालना है, मिसाल के तौर पर एक ऐसा केस हो सकता है कि यार सारी कीज़ निकालूँ मैं, सारी कीज़ निकाल के ना उसमें सबसे लास्ट की मैं देखना चाह रहा हूँ कौन सी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सारी कीज़ इस तरह निकाल लूँगा, फिर मैं फॉर इन का लूप नहीं चलाऊँगा, सारी कीज़ इस तरह निकाल के फिर मैं कहूँगा लेंथ माइनस वन पे लास्ट की मुझे मिल जाएगी कौन सी है, तो ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस वाले को मैं फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये हो गया पुराना तरीका, ये हमारे पास है ई एस सिक्स का तरीका, ठीक है। लेकिन अगेन ई एस सिक्स में ये फॉर इन जो है ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ की रिप्लेसमेंट नहीं है, इस चीज़ को याद रखें आप, कोई ये ना समझे कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ की रिप्लेसमेंट में ये फॉर इन आया है। फॉर इन जो है जस्ट एक कन्वीनियंस है, जस्ट एक आपके पास जैसे जैसे फॉर लूप है ना, फॉर लूप इट्सेल्फ तो कोई चीज़ नहीं है, एक कंस्ट्रक्ट है, तो ये फॉर इन भी एक कंस्ट्रक्ट है जो आपकी कन्वीनियंस के लिए इन्होंने दे दिया है, ये ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ की रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमने कर दिया और कीज़ हमने प्रिंट करवा ली। आ जाते हैं जी, अब देखते हैं हमारा कोड ये चलना शुरू होता है कि अभी भी कोई मसला है इसमें, अब सही प्रिंट हो गया, ठीक है, दो कीज़ थी दोनों प्रिंट हो गई। अच्छा अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक और लूप लगेगा अब, और वो लूप कौन सा होगा, इसके अंदर एक और लूप लगेगा और वो लूप कौन सा होगा, वो फॉर ईच का भी हो सकता है, वो मैप भी हो सकता है, क्योंकि एरे है मेरे पास तो मैं मैप भी लगा सकता हूँ, मैं फॉर ईच भी लगा सकता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं मैप लगा लेता हूँ। अच्छा मैप में कैसे लगाऊँगा, एग्जिस्टिंग टिकट ऑब्जेक्ट, उसके अंदर क्या चीज़ भला, की, मतलब पहली दफ़ा की में मुझे मिलता है टू डू, दूसरी दफ़ा मुझे मिलता है इन प्रोग्रेस। तो मैंने कहा एग्जिस्टिंग टिकट के ऑब्जेक्ट के अंदर, अच्छा एक तरीका होता है डॉट नोटेशन है ना, डॉट करके भी मैं ऐसे टू डू लगाता हूँ। अब लेकिन मसला ये, इस टू डू को मुझे रखना है डायनेमिक, तो ये डॉट नोटेशन में डायनेमिक वाला काम नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मुझे डायनेमिक करना है ना इसको, तो मुझे फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होता है, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए नहीं है कि ये एरे है ये ऑब्जेक्ट ही। बाय द वे यहाँ पे लगे हाथों मैं ये बात भी बताऊँ आपको कि जावास्क्रिप्ट में एरे एग्जिस्ट नहीं करता, एरे भी असल में ऑब्जेक्ट होता है, सही है। तो आप देख रहे हैं वो क्यों होता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट आप जब लगा के उसको 0, 1, 2 कर रहे होते हैं ना, तो असल में ऑब्जेक्ट होता है वो एरे नहीं होता। तो ये वही वाला आपके सामने जो है ना वो आ गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया की भाई, ठीक है। अच्छा जब इतना पार्ट मुझे क्या रिटर्न करेगा, वो पहला वाला एरे दे देगा मुझे, मिसाल के तौर पर मुझे ये वाला पार्ट दे देगा, सही है। तो अब इस इतने को ज़रा कंसोल कराते हैं, ठीक है। मैंने कहा कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ पे भी वही बात लिख दी, यहाँ पे भी वही बात लिख दी, ठीक है। और वो बात क्या लिख दी मैंने, एग्जिस्टिंग टिकट ऑब्जेक्ट का इंडेक्स की, ठीक है। अब मुझे देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट होके मिलता है, ठीक है। पहली दफ़ा में देखो मुझे ये बात मिली है, दूसरी दफ़ा में मुझे ये वाली बात मिली है, सही है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ये काम, मैं ये आइट्रेट कर रहा हूँ मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। मेरे ऑब्जेक्ट में दो कीज़ हैं और हर की के कॉरस्पॉन्डिंग में एक एरे है। ये समझ आ रहा है सब लोगों को कि क्या हुआ ये काम, अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे रोक के पूछ सकते हैं आप। मैंने फॉर इन चलाया और उसके अंदर अभी मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, वो मैंने चलाया नहीं है अभी, मैंने जस्ट अभी तक एरे इसका एक्सट्रैक्ट किया है कि जी इस तरह से होगा ये जी।
ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जो है ना एग्जिस्टिंग टिकट ऑब्जेक्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। इस कोड को गौर से देख लो, इसमें किसी का सवाल है अगर कोई तो प्लीज पूछ लो, इसमें तुम्हें क्या समझ नहीं आया? एक एक करके पहले मैं अभी उससे सवाल लेता हूँ, क्या कह रहे हो तुम? फॉर इन क्या चीज़ है, तुम्हें समझ नहीं आया? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं वो फॉर लूप दूसरा है, वो फॉर लूप चलता है एरे पे, ये फॉर इन का लूप है जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया था पहले, इससे ये पहली दफ़ा डिस्कस हो रहा है इस क्लास में। फॉर इन का लूप है, इसका काम क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो इसमें मैं लिख देता हूँ उस ऑब्जेक्ट का नाम, यानी इस जगह पे ना उस ऑब्जेक्ट का मैं क्या लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ, और मैं लिखता हूँ लेट की और इन, और उसके बाद ये ऐसे हो जाता है। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इस लूप की बॉडी है ये, ठीक है, इस लूप की बॉडी। ये बॉडी कितनी दफ़ा चलेगी, जितने इस ऑब्जेक्ट के अंदर कीज़ होंगी। ये लूप की बॉडी कितनी दफ़ा चलेगी, फॉर लूप में तो ये होता था ना कि जी एरे के अंदर जितने इंडेक्सेस होंगे उतनी दफ़ा बॉडी चलती थी, बल्कि इंडेक्सेस भी नहीं, वो जब तक कंडीशन ट्रू रहती थी जब तक बॉडी चलती थी। इसमें ये होगा कि जितने इसके अंदर जो है ना कीज़ हैं, मिसाल के तौर पे हमारे ऑब्जेक्ट में अगर आप देखो तो ये एक की है और ये दूसरी की है, दो ही की है। तो ये जो मेरी बॉडी है ना फॉर इन की, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बॉडी है ये दो दफ़ा चलेगी। जब ये पहली दफ़ा चलेगी तो मुझे इस की में क्या मिलेगा, पहले वाला की, वो प्रिंट करा दिया मैंने। जब ये दूसरी दफ़ा चलेगा तो इस की में मुझे दूसरे वाला की मिलेगा, वो मैंने प्रिंट करा दिया। अब की मिल गई मुझे, ऑब्जेक्ट का नाम मुझे पता है और की का भी नाम पता है, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा और उस की को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, उस की के अंदर एक मुझे एरे मिलता है, वो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। जी, समझ गया। हाँ नहीं, वैल्यू पास नहीं हो रही, वैल्यू तो रिटर्न हो रही है ना, जब ही तो कंसोल पे आ रही है वो। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं चलाने लगा हूँ एक लूप चलाने लगा हूँ, ठीक है, तो मैं फॉर ईच भी चला सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं मैप भी चला सकता हूँ। अच्छा, फॉर ईच चला लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि फॉर ईच पहले इस क्लास में डिस्कस नहीं हुआ है, तो फॉर ईच चला लेते हैं लगे हाथों, ठीक है जी। अच्छा, फॉर ईच का सिंटेक्स बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे हम अलग से देख लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो फॉर ईच जो है वो क्या है, एरे के ऊपर किसी भी एरे के ऊपर डॉट लगा के ना फॉर ईच आपको मिल जाता है, सही है। अच्छा, कुछ दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर फॉर ईच थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चलता होगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट में कैसे चलता है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहाँ चला गया, गिरा। एरे का नाम, जो भी एरे है उसका नाम डॉट फॉर ईच, और उसके अंदर एक फंक्शन हम पास करते हैं। यहाँ पे इन्होंने फंक्शन का नाम दे दिया है, हम फंक्शन इट्सेल्फ खुद अंदर बना के पास कर सकते हैं। अच्छा, ये फंक्शन कितनी बार चलेगा, फॉर ईच इंडेक्स ऑफ दैट एरे, मैप वाला हिसाब है, जितने एरे में इंडेक्सेस हैं उतनी बार ये चलेगा फंक्शन। और जब हर दफ़ा जब ये चलेगा तो इस फंक्शन में आपको क्या मिल रहा होगा, आइटम मिल रहा होगा, उसका इंडेक्स मिल रहा होगा, बिल्कुल मैप वाला हिसाब है, सही है जी। डॉट फॉर ईच हो गया, और मैंने कहा कि जी क्या था, पहले आइटम था या पहले इंडेक्स था, हाँ पहले आइटम था, मैंने कहा जी ईच आइटम कॉमा, इसको बल्कि ईच आइटम नहीं, मैं ईच टिकट करता हूँ, क्योंकि उस एरे में मौजूद हर इंडेक्स क्या है, एक टिकट है, तो मैं इसको ईच टिकट कर देता हूँ और इसको इंडेक्स कर देता हूँ, हालांकि इंडेक्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इंडेक्स लिख दिया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है जनाब, कि ये जो लूप चल रहा है ना, इस लूप के चलने पे क्रिएट करना है मुझे टिकट्स, एक्चुअल टिकट जो है ना मुझे अब इस जगह पे क्रिएट करना है, राइट, यानी कि ये वाला काम, इस काम को मैं यहाँ पे ला गया, अब मुझे एक्चुअल अब काम ये सरंजाम देने का टाइम आ गया, अभी भेज देता हूँ। तो मैंने एक आदत बनानी है डिव, क्रिएट एलिमेंट करके डिव बना दिया, उसका एट्रीब्यूट लगाना है ड्रैगेबल ट्रू, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, ये जो मेरे पास जो टिकट है ना, ये एक दो तीन टिकट है, उसके बाद ये फॉर्म है, ये टिकट क्या है, वो ये टिकट बना रहा हूँ मैं असल में, तो मैंने ड्रैगेबल ट्रू करा दिया उसको। अच्छा जी, क्लास दे दिया कि जी आप टिकट हो, उसमें टेक्स्ट एक पास कर दिया, लेकिन टेक्स्ट अब की बार मुझे क्या पास करना है, अब की बार मुझे टेक्स्ट जो पास करना है वो ईच टिकट, ये मौजूद है मेरे पास टेक्स्ट, सही है, ईच टिकट
में मुझे अब एक एक टैक्स मिल रहा होगा, लोकल स्टोरेज सूट क्या आ रहा है मेरे पास, और अपेंड करना है मुझे किसके अंदर, इस डिफ के अंदर जो मैंने अभी अभी बनाया है। अच्छा, अब ये पूरा टिकट बन के हो गया तैयार, अब इस टिकट को कहाँ इंजेक्ट करना है, इस टिकट को कहाँ इंजेक्ट करना है। अगर तो इस नाम का कॉलम मौजूद है तो उस कॉलम में इंजेक्ट करना है, नहीं मौजूद तो पूरा कॉलम बनाना है, अगर नहीं मौजूद है तो पूरा कॉलम बनाना है, सही है। तो अब कैसे पता चलेगा कि यार वो कॉलम मौजूद है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा कि वो कॉलम मौजूद है या नहीं है। ये पता लगाने के लिए ना मुझे उस कॉलमों का पेरेंट पता होना चाहिए, ये पता लगाने के लिए कि भाई ये जो मैंने अभी अभी ये, मतलब मुझे पता है ना कि मेरे कॉलम का नाम क्या है, जो की है वो मेरे कॉलम का नाम है, जो की है या तो टू डू या तो इन प्रोग्रेस, ये दोनों कीज है ना मेरे पास, तो ये मेरे कॉलम का नाम है। क्या इस नाम का कोई कॉलम मौजूद है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए मुझे इन कॉलमों का पेरेंट पता होना चाहिए। अब इन कॉलम्स का पेरेंट कौन है, आगे ज़रा देख लेते हैं। ये मेरा कॉलम वन, ये मेरा कॉलम टू, इन दोनों का पेरेंट कौन है, ऐप मेन, ऐप डैश मेन करके एक चीज़ है, इसको मैं आईडी भी यही दे देता हूँ, ऐप डैश मेन, ठीक है, आईडी दे रहा हूँ ताकि उसको उठाने में आसानी हो। अब इसको मैं उठाऊँगा, इसका पहला चाइल्ड, इसका दूसरा चाइल्ड, इसका तीसरा, अभी तो इसमें दो ही कॉलम है तो दो ही चाइल्ड हैं, मैं इसके तमाम चाइल्ड को एज अ एरे उठाऊँगा, हर चाइल्ड के अंदर जाऊँगा, डॉट फर्स्ट नॉट करूँगा मैं, और मुझे फर्स्ट नॉट करने पे ये हेडिंग पकड़ में आ जाएगी, ये वाली, ठीक है, हेडिंग पकड़ में आ जाएगी, उससे मैं चेक कर लूँगा हाँ यार ये मौजूद है। अगर वो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं उसको बना दूँगा, बनाऊँगा कैसे, जैसे मैंने इस टिकट को बनाया मैं वैसे ही बना दूँगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये वाला सीन है। अच्छा, लेकिन फौरी तौर पर मैं क्या करता हूँ अभी, क्योंकि नमाज का ऑलरेडी टाइम हो गया, दोस्त बोल कर गए, तो सॉरी, ये पहला कॉलम है, कॉलम नंबर वन है, ये कॉलम नंबर टू है, ये टू डू है, ये इन प्रोग्रेस है, ये इतना, ये पूरा टू डू है। सवाल नहीं समझा मैं शायद आपका, हाँ, ये आपने सवाल तो सही पूछा है आपने, मैंने असल में यही कहा है कि ये मैं पेरेंट पकड़ में आ गया मेरे, इस पेरेंट के मैं सारे चाइल्ड उठा लूँगा, चाइल्ड नंबर एक, चाइल्ड नंबर दो, ये पहला चाइल्ड, ये दूसरा चाइल्ड, मतलब इसके तीन चार पाँच छः जितने भी होंगे इस पर मैं आइट्रेट करूँगा, लूप चला के आइट्रेट करूँगा, और हर आइट्रेशन पे, हर यानी पहले आइट्रेशन पे मुझे ये मिलेगा पहला वाला, हर आइट्रेशन पे मैं क्या करूँगा, इसका पहला चाइल्ड उठाऊँगा, पहला चाइल्ड ये आ गया, सही है, और चेक करूँगा ये पहले चाइल्ड में टेक्स्ट क्या है, अगर वो टेक्स्ट मैच हो रहा है मतलब ये कॉलम मौजूद है, ठीक है। तो ये इस तरह हम कर सकते हैं, लेकिन अभी कर नहीं रहे, अभी हम फौरी तौर पर क्या कर रहे हैं, अभी हम इसको लगा रहे हैं कि जी जो है ना आईडी लगा रहा हूँ मैं, कि जी जो आईडी है ना मेरी, वो वही आईडी है जो उसका नाम है, टू डू है, ठीक है, मैंने सेम यहाँ पे आईडी पास कर दी इसको, सही है, मैंने सेम आईडी पास कर दी है, मैं जस्ट क्या करूँगा उस की से आईडी उठाऊँगा और उसके अंदर उसको इंजेक्ट करा दूँगा। वो तो उसने बताया है ना कि वो प्रोडक्शन में कभी भी नहीं आएगा क्योंकि एक लाइन में होता है सारा, वो तो उसने बताया है ना। दूसरा ये कि गार्बेज एलिमेंट को आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो कह रहे हैं ना कि हैश और टेक्स्ट करके आ रहा होता है, तो आप उसको नोट कर लें कि अगर हैश और टेक्स्ट है उसको इग्नोर करें आप, ठीक है। लेकिन उसने ये बोल दिया था कि जब हम रिएक्ट वगैरह पे काम करेंगे ना वो सिंगल लाइन में पूरा आता है, तो उसमें ये नहीं आएगा, ये इसका इशू नहीं होगा। अच्छा जी, तो ये मेरा बन के तैयार हुआ है, और मैंने कहा कि जी मेरा जो कॉलम है ना वो क्या है भला, मेरा कॉलम है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, और की, सही है, ये मेरा आइटम है, और मैं इसको क्या बोलूँगा, कॉलम डॉट, और कॉलम डॉट में बोलूँगा इसके अंदर अपेंड चाइल्ड करके मैं इसको ये पकड़ा दूंगा जी, ये मेरा ना ये टिकट, इसका नाम टिकट रखते हैं ना यार, इसका नाम डिव हमने क्यों रखा हुआ है,
इसका नाम ना टिकट डिव करने लगा हूँ मैं। सही है, टिकट डिव इसके अंदर मैं इसके अंदर अपेंड करा रहा हूँ। अच्छा अब देखते हैं जी क्या होता है। अच्छा अगर तो मेरा ये कोड सही लिखा है अगर मैंने, तो क्या होना चाहिए कि जैसे ही मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये टू डू में और ये इन प्रोग्रेस में जो बातें लिखी हुई हैं वो ऑटोमेटिकली इधर अपेंड हो जानी चाहिए, अगर तो मेरा कोड सही है तो, अगर उसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो। ठीक है जी मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। कोड में मिस्टेक है भाई मेरे लाइन नंबर 116 पे, इसने कह दिया कि भाई क्या कर दिया आपने ये लाइन नंबर 116 पे क्या कर दिया मैंने ये। अच्छा फॉर ईच के अंदर एक फंक्शन देना होता है, तो वो फंक्शन मैंने प्रॉपर पास नहीं किया, एरो यहाँ पे मैंने मिस कर दिया। ठीक है और नीचे गोल ब्रैकेट भी मैंने मिस कर दिए। ठीक है फॉर ईच को असल में एक फंक्शन देना होता है, फॉर ईच इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्ट, मतलब कंस्ट्रक्ट है उस सेंस में लेकिन उसको फंक्शन के तौर पर पास करना होता है। अब लाइन नंबर 126 में क्या कर दिया मैंने, अपेंड चाइल्ड नहीं मिल रहा इसको। अपेंड चाइल्ड क्यों नहीं मिल रहा यार उसको, मिलना तो चाहिए अपेंड चाइल्ड, क्या मसला है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, ओके वो कह रहा है जी ये कॉलम तो मिला ही नहीं मुझे। अच्छा क्वेरी सेलेक्टर में जो है ना मैंने वो नहीं लगाया, वो हैश लगता है ना की के लिए, तो वो नहीं लगा हुआ, वो कैसे लगेगा इसमें। बेहतर है उसको लगाने से, बेहतर है वैसे लग तो जाएगा बैकटिक से लगेगा यूँ ना, कि मैं इसको हैश लगाऊंगा और हैश लगा के ना फिर मैं ऐसे कर दूंगा तो ये लग तो जाएगा, लेकिन जब सिचुएशन जब ऐसी है ना तो मेरा ख्याल है कि गेट एलिमेंट बाई आई डी करूँगा फिर मैं। सही है गेट एलिमेंट बाई आई डी करूँगा फिर मैं इसको, ताकि मुझे वो हैश वाला मसला ही हल हो जाए, ऑटोमेटिकली उठ के इधर आ गया। अच्छा अब इसके अंदर एक गड़बड़ हुई है, वो गड़बड़ ये हुई है कि उठ के तो आ गया इधर लेकिन वो ये फॉर्म के बाद आया है, अपेंड चाइल्ड लास्ट में होता है, मैंने लेकर आना है इंसर्ट बिफोर। अब वो इंसर्ट बिफोर के लिए मुझे वो फॉर्म चाहिए होगा, उसका लास्ट चाइल्ड उठाऊंगा मैं, लास्ट चाइल्ड उठा के मैं बोलूँगा इंसर्ट बिफोर दिस, तो इस तरह करके ये काम होगा। अब क्या होगा जी, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना एंटर कर रहा हूँ, जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ना तो वो इधर ही रहेगा, वो गायब नहीं होगा। ठीक है देखो अब मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई ऐसे डब्लू डब्लू लिख दिया बहुत सारा और मैंने एंटर किया, तो ये इस स्क्रीन पे आ रहा है डब्लू डब्लू, जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये इन प्रोग्रेस के अंदर ही रहेगा, ये इन प्रोग्रेस से कहीं जाएगा नहीं, लेकिन रिफ़्रेश करने पर ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है इसको, है ना। हालांकि ऐसा नहीं है, रिफ़्रेश करने पे ये जब पेज खुलता है तो ये ब्लैंक होता है, फिर लोकल स्टोरेज से आके इधर लाके रेंडर करता है उसको ये। अच्छा अगर मैं लोकल स्टोरेज को खाली कर दूं इसके तो क्या होगा, लोकल स्टोरेज को यहाँ जाके मैंने इसको कर दिया क्लियर कर दिया, अब मैं इसको जब रिफ़्रेश करूँगा ना तो ये नहीं आएगा। अब जैसे जैसे मैं लिखता जाऊँगा इधर लोकल स्टोरेज में आता जा रहा है, रिफ़्रेश करूँगा इधर ही रहेगा ये कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है जस्ट इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये फॉर्म के बाद होता है क्योंकि लास्ट चाइल्ड अपेंड जो है वो लास्ट में अपेंड करता है, इंसर्ट बिफोर वाला काम हमने जो हमने इस फॉर्म में सबमिट कराते हुए ना हमने वो इंसर्ट बिफोर लगाया था, तो ये सही चल रहा है, फॉर्म वाला सही चल रहा है, फॉर्म वाला भी पहले ये वाला मिस्टेक कर रहा था, फॉर्म वाला अब सही हो गया। यहाँ पे लेकिन ये इंसर्ट बिफोर वाला काम हमें करवाना पड़ेगा।